योगी आज आगरा दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी का आज आगरा दौरा है और काफी महत्वपूर्ण दौरा उनका यह माना जा रहा है। 11:40 पर खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 12:10 पर उनका एक कार्यक्रम सीएम योगी का आज यह आगरा दौरा है, काफी महत्वपूर्ण दौरा उनका यह माना जा रहा है। 11:40 पर खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी और 12:10 पर रामवीर क्रीड़ा स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो चुनावी प्रचार में उतरे हैं सीएम योगी और डोर टू डोर कैंपेन लगातार वो कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज आगरा पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनका आगरा का ये दौरा है, काफी महत्वपूर्ण दौरा है। 11:40 पर खेरिया एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 12:10 पर रामवीर क्रीड़ा स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में वो शामिल होने पहुंच रहे हैं। आज चुनावी प्रचार में उतरे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चुनावी प्रचार में जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन वो कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, इसी कड़ी में आज सीएम योगी का आज आगरा का दौरा है और इस दौरे के दौरान 11:40 पर वो खेरिया एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। 12:10 पर रामवीर क्रीड़ा स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। चुनावी प्रचार में खुद सीएम लगातार दौड़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज वो आगरा पहुंच रहे हैं। तो आगरा में सीएम योगी का आज ये महत्वपूर्ण दौरा और इस दौरे के दौरान वो जनसंपर्क करेंगे, संवाद करेंगे और खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रिंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिंकी, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री आगरा पहुंच रहे हैं और लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर ये जनसंपर्क लगातार किया जा रहा है और इसी कड़ी में आगरा का आज का उनका कार्यक्रम है, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी? हाँ जी, वही बता दूं हैदर आपको कि ये योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा में दूसरा ये उनका आगमन है, क्योंकि अब 10 फरवरी को यहाँ पे मतदान होना है प्रथम चरण में। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी ब्रज प्रांत में कोई भी अपनी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। कल यहाँ पे स्मृति ईरानी थी जिन्होंने डोर टू डोर योगी उपाध्याय के समर्थन में जाके वोट मांगे थे लोगों में जाके। आज योगी आदित्यनाथ यहाँ है, आज ये 3:30 पहुंचेगी फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के बता दें कि वहां पे रालोद के जो प्रत्याशी है उनका ब्रजेश सहार का उनसे टक्कर, भाई टक्कर है, जो कि वहां पे यहाँ चौधरी बाबूलाल के साथ उनके समर्थन में योगी आदित्यनाथ वोट मांगेंगे। और वहीं हम बता दें आपको, फिर वो दूसरे जो पहुंचेंगे वो पहुंचेंगे फतेहाबाद। फतेहाबाद पहुंच के वो यहाँ पे छोटेलाल वर्मा के समर्थन में वोट मांगे, डोर टू डोर प्रोग्राम करेंगे। लेकिन यहाँ देखना ये है कि समाजवादी पार्टी ने जो चेहरा उतारा है यहाँ पे, आपको रूपाली दीक्षित उनको बराबर टक्कर दे रही है। रीजन यही है कि पिछली बार यहाँ से जितिन वर्मा का टिकट काटकर और छोटेलाल वर्मा को टिकट दे दिया गया है। ब्राह्मणों का क्षेत्र, ये ब्राह्मणों का और ठाकुरों का बाहुल क्षेत्र कहा जाता है फतेहाबाद, इसलिए यहाँ पे योगी आदित्यनाथ। तो ये वक्त बताएगा कौन किसको टक्कर देगा रिंकी, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वहां है और इस कार्यक्रम के जरिए वो लोगों से संवाद करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रिंकी हमारे साथ जुड़ने के लिए।